बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हमने अपने किचन में बनाए हैं चॉकलेट क्रेप्स। तो चलिए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ और देखते हैं चॉकलेट क्रेप्स हमने किस तरह से बनाए हैं। चॉकलेट क्रेप्स बनाने के लिए हमें चाहिए 2 अंडे, 1 कप मैदा, 1 कप दूध और न्यूट्रेला। अब हम एक बॉल लेंगे, सबसे पहले 2 अंडे शामिल करेंगे, 1 कप दूध शामिल कर देंगे, 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे। अब इनको मिक्स कर लेंगे। आप लोग हाथ से भी कर सकते हैं लेकिन हम लोग मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब मिक्स हो चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम लोग मैदा ऐड करेंगे ताकि गुठलियां ना बन सके। दोबारा से इसमें मैदा ऐड कर लिया हमने, दूसरी दफा भी मैदा ऐड किया है, 2 दफा करके हमने इसमें डाला है। गुठलियां ना बने इसका ये ख्याल रखना है आप लोगों ने। तैयार हो चुका है और देखें इसकी गुठलियां नहीं बनी, और इस तरह से होना चाहिए, ना ज्यादा पतला और ना ज्यादा सख्त होना चाहिए, इसी तरह से इसका टेक्सचर होना चाहिए। चूल्हा ऑन कर लिया और पैन हमारा गर्म हो चुका है। थोड़ा सा ऑयल लेंगे, अब इसमें हम फैला देंगे इसको पैन में। इसकी अलामत है जब ये ऊपर से बबल बनने लगेंगे इसके तो ये पक चुका होगा नीचे से, फिर इसको पलटेंगे। बबल्स बन चुके हैं और एक तरफ इसकी एक साइड पक चुकी है, अब हम इसको पलट लेते हैं। उसी साइड को भी हल्का हल्का ब्राउन करेंगे। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह से एक और बना लेंगे। अब दोबारा से एक और अब बना के आप लोगों को दिखा देते हैं हम, इसका भी इसी तरह तो फैला लेना है। ये रेडी हो चुका है दूसरा भी, अब इसको निकाल लेते हैं। अब हम इसको फैला इसके ऊपर लगा लेंगे, अच्छी तरह से इसको फैला लेंगे लगाकर। और प्लीज वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो आपको पूरी रेसिपी की समझ नहीं आएगी। कई लोग पूरे पे लगाते हैं लेकिन हम आधे पे लगा रहे हैं, न्यूट्रेला हमें इतने ही पसंद है, इस वजह अब इसको रोल करेंगे हम। एक तैयार हो चुका है, अब दूसरा भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। थोड़ी सी अब इसके ऊपर हम गार्निश कर लेंगे आइस शुगर की, इस तरह से थोड़ा सा फैला लेंगे। थोड़ी सी चॉकलेट हमने ओवन में गर्म कर ली है और इसके ऊपर इसके भी हम थोड़ी सी गार्निश कर लेंगे इसके साथ। ये आप बच्चों को भी बना के दे सकते हैं। चॉकलेट क्रेप्स बनकर बिल्कुल तैयार हैं खाने के लिए। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी दूसरी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।